हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ ये एक बेबी फ्रॉक शेयर कर रही हूँ ये है दो से तीन साल तक के बच्चे की फ्रॉक है दो से तीन साल तक की गुड़िया को आप ये फ्रॉक पहना सकते हैं और इससे आप आइडिया लेके बड़ा और छोटा फ्रॉक भी आप बना सकते हैं तो इसमें फ्रेंड्स मैंने जो बूल यूज़ की है वो है ये वाली ब्लू बेल्ट की बूल है ये 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 वाली वूल है ब्लू बेल्ट की और इसी तरह की वाइट भी मैंने की है इसके अंदर सेम ही बुल और इसमें आप फ्रेंड्स ये चाहें तो सेम कलर की भी बना सकते हैं और ऐसे दो रंगों की भी आप यहाँ पे बना सकते हैं तो इसमें मैंने ये जो नीचे का पोर्शन जो है ये तैयार किया है कमर तक का जो पोर्शन है इसमें ये यहाँ पे तैयार किया है जो इसका घेरा है फ्रॉक का वो और इसका जो डिजाइन है उसका मैं आपको लिंक दे दूंगी क्योंकि इसके साथ डिजाइन शेयर करेंगे ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो उसका अलग से वीडियो है तो उसको मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी उसका लिंक तो आप वहां से देख सकते हैं और वैसे भी मेरे चैनल पर जाके भी आप देख सकते हैं उस वीडियो को तो यहां पे फ्रेंड्स देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इसमें ना और इसमें अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ जो बेल लाइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके तो इस घेरे के लिए मैंने यहां से स्टार्ट किया है इसको नीचे से और इसको मैंने नौ नंबर की सिलाइया पे बनाया है डबल बॉर्डर मैंने यहां पे डाला हुआ है आप इसमें चाहें तो सिंगल भी डाल सकते हैं और इसमें मैंने 123 फंदे नीचे से रखे हैं 123 ट्वेंटी स्टिचेस जो हैं वो यहाँ से कास्ट ऑन किए थे और ये मैंने ऊपर तक आप ये लाइनें भी यहाँ पे गिन सकते हैं और इसको आप इंच टेप से भी आप अगर नापना चाहें तो नाप सकते हैं और अगर आपके पास बच्चा है अपने बच्चे के लिए आप बना रहे हैं और बच्चा आपके पास है तो आप उसी हिसाब से बच्चे को न, बच्चे के साथ नाप के भी आप बना सकते हैं इसको बड़ा छोटा जैसा भी आपको पसंद हो उसी हिसाब से बना सकते हैं तो यहाँ पे देखिए ये दस इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे साढ़े दस के करीब करीब है ये और इसको आप गिनना चाहें तो एक दो तो, तीन चार पांच छ और ये सात सात जो डिज़ाइन है वो इसमें मैंने डाले हैं ऊपर तक और इसमें चाहे छोटे बच्चे को बना रहे हो तो इसमें आप थोड़े डिजाइन भी डाल लीजिए और इससे बड़े को बना रहे हो तो और डिज़ाइन जो है वो ऐड कर लीजिए और थोड़े से फंदे जो हैं इसमें जैसे एक डिज़ाइन है तो उसके फंदे आपने और इसमें ऐड कर लेने हैं उसी हिसाब से आपने इसको बना लेना है तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करना है कि इसका अब हमने ये ऊपर का बॉडी पार्ट इसमें बनाना है ये नीचे का हिस्सा जो है वो हमारा ये कंप्लीट हो गया है तो अब हमने इसको ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ पे बनाना है तो मैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूं तो ये मेरा डिजाइन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया है और अब हमने इसकी उल्टी साइड से ही मैं इसको यहां पे स्टार्ट कर रही हूं आप यहाँ पे कोई और डिजाइन यहां पे बना रहे हैं नीचे से तो आप इसको राइट साइड से भी शुरू कर सकते हैं तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स हमने इसको किस तरीके से बनाना है ये जो डिजाइन है यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे डिजाइन बिल्कुल एंड हो गया है यहाँ पे राइट साइड पे और ये डिजाइन की वैसे लास्ट लाई है लेकिन लास्ट जो होती है यहां पे हम धागा चेंज करते हैं तो इसी से ही मैं इसको आगे शुरू कर रही हूँ तो यहां से देखिए फ्रेंड्स अब बॉडी पार्ट अब यहाँ पे स्टार्ट करना है इसका कमर के ऊपर का हिस्सा तो ये सबसे पहले तो हमारे पास ये जितने फंदे है उनको हमने यहाँ पे कम करना है यहाँ पर अगर आप यहाँ पे कुछ और तरीके से बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा लेकिन हमने मैं इसको जिस जिस तरह से यहाँ पे बना रही हूं उस तरह से हमने यहाँ पे फंदे जो हैं ये अब 123 ट्वेंटी फंदे बहुत ज्यादा हैं तो इनको हमने कम करना है तो वो देखिए हमने यहाँ पे किस तरह से कम करना है तो ये पहले फंदे को हम यहाँ पर स्लिप कर लेंगे और आगे के जो दो फंदे हैं ये उल्टी सिलाई बुनेंगे हम उल्टी साइड से धागा अपनी साइड रखते हुए और इसको पर्ल वाइज बुनना है दो फंदे एक साथ फिर आगे के दो फंदे भी हमने एक साथ इसी तरह से अब ये लास्ट तक ना हमने इसी तरह से बनाना है लास्ट में हमारा एक फंदा जैसे भी रह जाएगा तो उसको हमने एक बुन लेना है बाकी के सारे फंदे हमने इसी तरह से कम कर लेने हैं दो का एक दो का एक उल्टी साइड से वाइज बुनते हुए दो फंदों का यहाँ पे हम एक करते हुए चले जाएंगे इसमें और इसके ऊपर आप कोई और डिजाइन उल्टे सीधे फंदे का बॉर्डर बनाना चाहते हैं जैसे उल्टे सीधे दो उल्टे दो सीधे फंदे रखना चाहते हैं तो उस तरह से भी रख सकते हैं और कोई और डिजाइन मॉस निटिंग या कुछ भी डिजाइन और चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं तो यहां से ये इसी तरह से ना हमने ये सारे फंदे यहां तक बना लेने यहां तक तो मैं ये इस तरह से बना लेती हूँ क्योंकि तो बहुत सिंपल है दो फंदे आपने एक साथ ऐसे बुनने हैं, दो का एक करना है बस एक बार बता देती हूँ इस फ्रॉक को ना विग्नर्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं बहुत ज्यादा सिंपल है ये और इसको आप बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी बना सकते हैं और बड़े से बड़ी गुड़िया के लिए भी आप बना सकते हैं इस तरह से तो यहाँ पे देखिए अब हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में ना हमारे ये दो फंदे गए हैं तो इन दोनों को ही हमने एक एक करके ऐसे बुन लेना है यहाँ पर तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारे पास आगे हैं टोटल 64 फंदे ये 64 स्टिचेस जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास आगे हैं तो ये अब ऊपर के पार्ट के लिए काफी हैं अगर बच्चा ज्यादा हेल्दी है तो आप थोड़े उसी हिसाब से थोड़े कम फंदे कम करें यहाँ पर तो यहाँ पे आप देखिए हमने इसको बनाना है उल्टे उल्टे के ऑर्डर में बनाना है आप चाहें तो सीधे सीधे के बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे उल्टे उल्टे फंदे बनाऊंगी पहले फंदे को इस तरीके से स्लिप करेंगे और धागा अपनी साइड को करते हुए हमने इसको इसी तरह से ये उल्टे उल्टे, उल्टे फंदे जो हैं वो बुनते जाना है परलवाइज आपने यहाँ पर बुनाई करते जाना है दोनों साइड से उल्टी साइड से भी पर्ल वाइज बुनना है अब और सीधी साइड से भी पर्ल वाइज बुनना है इस तरह से तो ये आप इस तरीके से बुने। अब इस सीधी साइड से लाइन खत्म हो गई ये सिलाई खत्म हो गई उल्टे उल्टे फंदे बना के अब उल्टी साइड से भी हमने यहाँ पे उल्टे उल्टे फंदे ही बुनने हैं इसी तरह से पहले फंदे को हमने ऐसे स्लिप करना है सीधे जैसे हम सीधा बुनते हैं ना उसी तरह से उसके बाद आगा अपनी साइड को करते हुए पूरे फंदे जो हैं ये ऐसे उल्टे उल्टे आपने बुने जाने हैं तो इनको हम हम फटा फटाफट बना लेते हैं तो फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पे देखिए उल्टी साइड से भी बुन लिया अब हम फिर से सीधी साइड पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक पर्ल की लाइन यहाँ पे बन के आ गई है इस तरह से देखिए। ये आ गई है ना इसको हमने अब यहाँ पर ये हम टोटल नौ लाइनें यहां पे बनाएंगे एक हमारी हो गई और आठ लाइनें यहां पे हम और बनाएंगे यानी सोलह सिलाइया हमने यहाँ पे और बनानी है सिक्सटीन लाइन सिक्सटीन यहां पे रो जो है वो और यहां पे बनानी है हमने दोनों तरफ से आठ सिलाइया सीधी साइड से और आठ सिलाइयां उल्टी साइड से इस तरीके से बनानी है तो हमारे पास ये यह यहाँ पे इसके साथ हमने इस बनानी है 18 लेकिन अब हम एक बना चुके हैं तो सिक्सटीन रॉ जो है और बनानी है यहाँ पर तो इनको अब हम बुन लेते हैं फिर उसके बाद आगे मिलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है पहले फंदे को आपने इस तरह से सीधी साइड से ऐसे स्लिप करना है धागे को अपनी साइड को घुमाना है और बाकी के सारे फंदे पर्ल वाइज आपने बुन जा, बुनते हुए जाना है तो यहाँ पे देखिए नौ लाइनें हमने और यहाँ पे बनानी है ठीक है ये वाली गिन लेना बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए भी यहाँ पे नौ लाइनें और यहाँ पे बनाएं फिर जब दसवीं लाइन में सीधी साइड पे हम आ जाएंगे ना फिर आगे मैं बताती हूँ तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी इसकी नौ लाइन जो है हमारी कंप्लीट हो गई एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ नौ लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे अब हम इसकी दसवीं लाइन को बनाने जा रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग यहाँ पे करनी है इसकी इसकी जो बॉडी पार्ट है ये यह हमने यहां से इतना ही बनाना है इसके बाद आर्म होल की कटिंग यहाँ पे करनी है तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे धागा अपनी साइड को आगे करेंगे और एक फंदा ऐसे बुनेंगे और जो हमने स्लिप किया था उसको इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे तो एक हो गया यहाँ पे हमने पांच फंदे जो हैं वो ऐसे ही यहां पर डिक्रीज करने हैं पांच फंदे यहाँ पे घटाने हैं तो दो हो गए ये तीन चार चार हो गए और ये पांच तो ये एक साइड पे हमने पांच फंदे पे डिक्रीज किए ये देखिए पे पांच फंदे हमने यहाँ पे खटा लिए अब आगे के हमने लास्ट तक इन फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा करके बुनते जाना है जैसे हम पहले बुन रहे थे ना सेम उसी तरह से हमने इनको बुनते जाना है इसी तरह से आगे तक लास्ट तक यहाँ पे जब उल्टी साइड पे आएंगे तो यहां पर भी हमने पांच फंदे जो है वो घटाने हैं यहाँ पे फाइव स्टिचेस जो है उनको डिक्रीज करना है यहाँ पर ठीक है तो यहां से यहां तक मैं ऐसे बुन लेती हूँ उल्टा उल्टा करके पर्ल वाइज यहां तक बुन लेती हूँ तो उसके बाद फिर हम उल्टी साइड पे मिलते हैं तो फ्रेंड्स देखिए अब उल्टी साइड पे आगे तो इस साइड पे भी ना हमने पांच फंदे यहाँ पे घटाने हैं इस तरह से पहले फंदे को स्लिप करेंगे पर्ल वाइज और धागा हम पीछे करेंगे सॉरी यहाँ पे रखेंगे इसको वाइज स्लिप करेंगे और उसके बाद ना ये एक फंदा इस तरीके से बुनेंगे और इस जो फंदा स्लिप किया था उसको हमने ऐसे उठा के इसके ऊपर से पास कर देना है इसी तरह से एक और करेंगे ऐसे ही जैसे हमने राइट साइड पे किया था सेम उसी तरीके से हमने इस तरफ को भी फंदे जो हैं वो घटाने हैं तो दो हमारे फंदे घट के ये तीन और ये चार और यहाँ पे पाँच तो ये पांच फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए इसी तरह से हमारे उस तरफ भी कम हो गए दूसरी साइड भी और इधर की साइड भी कम हो गए तो पांच फंदे दोनों साइड पांच पांच फंदे ही हमने घटाने हैं तो इसी तरह से अब हमने इस सिलाई को लास्ट तक ऐसे ही बुनते हुए चले जाना है उल्टा उल्टा देखिए पे हमने पांच फंदे जो हैं वो डिक्रीज किए उसके बाद ये जो लाइनें हैं ना हमारी ये लाइनें यहाँ तक हो गई दस लाइनें इसी तरह से यहाँ पे भी ये देखिए पांच फंदे इधर को कम हो गए पांच फंदे इधर को कम हो गए अब हमने आगे इसके आगे जैसे हमने यहाँ पर नौ लाइनें बुनी थी ना यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ही नौ लाइनें अब हमने और बुनी है और फंदा हमने कोई भी फंदा यहाँ पे घटाना नहीं है बस सिंपल नौ लाइनें ऐसे ऊपर को बुननी है फिर उसके बाद में आगे आपको बताती हूँ कि इसमें हमने क्या करना है यहाँ पर एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये हमारे देखिए यहाँ पे जो घटाई हुई है ना उसके बाद हमने पहले फंदे को इस तरह से सीधी साइड से इसको स्लिप करना है और धागा अपनी साइड को करते हुए बाकी के सारे फंदों को हमने ऐसे ही बुनना है तो यहाँ पर आप जो है ना इस तरीके से ही सीधा सीधा बुने लास्ट पहला फंदा जो है उसको सीधी साइड से ही स्लिप करें जैसे मैं करके दिखा रही हूँ ना वैसे ही करें ठीक है तो ही आपका ये अच्छे से आएगा तो इस तरीके से ही आप फिर इसको आगे बुनते हुए जाएं नौ लाइनें अब हमने इसमें और बुननी है अठारह सिलाइया हमने और बुननी है इसमें तो वो आप काउंट करते रहें और इसी तरह से आप यहाँ पे बुनाई कर लें तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी यहाँ पे नौ लाइनें हमने कंप्लीट करनी यानी यहाँ पे अठारह सिलाईया जो हैं यहाँ पर हमने बना ली ये यह देखिए यहाँ पर ये हमने यहाँ इस लाइन पे घटाई की थी उसके बाद हमने एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और ये नौ नौ लाइनें यहाँ पे यानी अठारह सिलाइयां हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि यहाँ पर ना हमने कंधे के जो फंदे हैं उनको यहाँ पर रखना है और उसके बाद हमने यहाँ पे बीच में गले की घटाई जो है वो करनी है तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फिफ्टीन स्टिचेस जो है यहाँ पर रखे हुए हैं यानी पंद्रह फंदे यहाँ पर रखे हैं जो हमने कंधे के रखने हैं साइड पे और बीच में जो फंदे हमारे पास यहाँ पे पंद्रह फंदे हमने इस तरफ को रखे हैं और बीच में है हमारे यहाँ पे चौबीस फंदे उनको हमने यहाँ पे घटाना है तो यहाँ से देखिए फिर किस तरीके से हमने इसको करना है इस तरह से हम पहले फंदे को उसी तरह से लेंगे इस तरह से सीधा यहाँ पे स्लिप करेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये पंद्रह फंदे जो हैं इनको इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे बुनते हुए आगे तक जाएंगे हम तो यहाँ पे मैंने मार्कर लगा लिए हैं आप भी मार्कर लगा लीजिएगा या आप ऐसे गिन के ले सकते हैं तो गिन के भी ले लीजिएगा मार्कर मैंने आपकी यहाँ पे सहायता के लिए लगाए हैं ताकि यहाँ पे आपको अच्छे तरह से यहाँ पे समझ आ जाए तो ये हो गए हमारे 15 स्टिचेस यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह यानी पंद्रह फंदे हमारे यहां पे ये यह हो गए अब हमने मार्कर को यहां से हटा देना है और हमने इनको आगे बुनते हुए जाना है तो किस तरीके से देखिए अब आगे के फंदे जो हैं अगले मार्कर तक हमने इनको घटा देना है तो ये दो हो गए अब इन दो फंदों को इस तरीके से हम उठाएंगे जैसे हमने कंधे के फंदों को इस तरह से घटाया था इस तरह से तो इनको ना हम सीधा घटाएंगे यहां पे हम सीधी साइड से हैं तो धागा पीछे कर लेंगे और इस तरीके से देखिए दो तीन चार पांच तो इसी तरीके से देखिए घटना शुरू हो गई ना तो इसी तरह से ना हमने यहां तक चौबीस फंदे घटा देने हैं आगे पंद्रह फंदे हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो इनको मैं इस तरीके से वाइंड ऑफ करती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चौबीस फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए जब आप यहाँ पे घटाए लें तो यहाँ पे सीधे फंदे बुन लें तो आपका इस तरीके से आएगा ये आगे ठीक है और अब हमने ना यहाँ पे धागा अपनी साइड को कर लेना है और ये इस तरह से अपने पंद्रह फंदे जो हैं इनको बुन लेना है आगे तो अब हम एक साइड वाले फंदे जो हैं इनको पहले बुन लेंगे ऊपर तक इस तरह से हमें जितनी हाइट इसके बाद चाहिए तो ये सिलाई हमारे ऐसे बुनते बुनते हम यहां तक आगे एंड तक फिफ्टीन फंदे इस तरफ को रखे हैं फिफ्टीन फंदे ही उस साइड को रखे हैं दूसरी साइड को और बीच में जितने फंदे हैं उन सबको हमने यहाँ पे घटा दिया तो अब हमने यहाँ पे और कोई फंदा नहीं घटाना बस इन्हीं फंदा को हमने बुनना है क्योंकि अब हम इस साइड को आ गए ना तो इन फंदा को ही हम थोड़ा ऊपर तक बुनेंगे और ये वाले को हम बाद में बुनेंगे तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि हम उल्टी साइड से इस साइड इस तरफ को स्टार्ट करेंगे और इस साइड को हम ये बुनता हुआ आगे हैं तो इसको हम अब उल्टी साइड से बस इतने ही फंदे इन्हीं फंदों को अब हम बार बार बुनेंगे तो मैं आपको ये बताती हूं कि आगे कितनी लाइनें अब हमने इसके बाद कम्प्लीट करनी है तो फ्रेंड्स यहां से देखिएगा अब हमने ना ये जो हमने यहां पे घटाई डाली थी उसके बाद हमने यहाँ पे नौ लाइनें कंप्लीट की उसके बाद हमारी ये वाली घटाई हुई है तो यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे टोटल अब 18 लाइनें ये कंप्लीट करनी है तो जैसे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और ये दस अब ये दस लाइनें हो गई ना यहाँ पे नौ पे हमने घटाई डाली थी तो दस लाइनें अब ये दसवीं लाइन पे हमने घटाई डाली है नौ कंप्लीट करने के बाद तो इसके बाद अब ये आठ लाइनें और हमने इसके बाद बनानी है यानी टोटल इस कंधे की घटाई के बाद हमने 18 लाइनें ऊपर को ये कंप्लीट करनी है तो वो आप इस तरह से कंप्लीट कीजिएगा दोनों साइड से हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए ना इनको इसी तरह से बनाना है पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे सीधा और बाकी फंदों को हम ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे तो यहाँ पर जब हम गले के पास आएंगे ना तो वहां से भी हमने इसी तरह से ये बनानी है चेन जैसे ये बन रही है ना इस तरीके से ये बनानी है और फंदे यहाँ पे कटाई नहीं करने हैं अगर आप राउंड गला बनाना चाहते हैं तो राउंड में आप बीच में कम फंदे घटाएंगे और फिर वो भी मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी तो यहां पे अभी हम ये पूरा जैसे यहाँ पेयर में आप कह सकते हैं ये देखिए इस तरीके से अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे ना तो इस फंदे को ना हम ऐसे स्लिप करेंगे सीधा इस तरह से और इस धागे को अच्छे से खींच के ले लेंगे बहुत टाइट भी नहीं रखेंगे और लूज भी नहीं रखेंगे यहाँ पे और इसी तरह से हम इनको बुनते हुए चले जाएंगे आगे तक तो ऐसे ही हमने अब फिर बार बार इनको इसी तरह से बुनना है अब ये बहुत थोड़े से फंदे हैं तो ये हमारा फटाफट ही कम्प्लीट हो जाएगा ये टोटल हमने 18 लाइनें यहाँ पे कंप्लीट करनी है दोनों तरफ से तो ये देखिए इस तरीके से अब यहीं से हम उड़ जाएंगे और दूसरी साइड को इनको इसी तरह से घुमाते हुए इस तरीके से बना लेंगे इसको भी सीधा ऐसे स्लिप करेंगे धागा अपनी साइड को मोड़ेंगे और फिर इनको इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे ऊपर तक बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा सादी फ्रॉक है हमारे बिगनर्स जो हैं नए सीखने वाले कोई भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं और इस से आइडिया लेके ना और भी फ्रॉक बना सकते हैं और ये जो है फ्रेंड्स इसका एक पार्ट है और इसका जो है वो सेकेंड पार्ट अभी आएगा नेक्स्ट में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी मैं जो इसका ऊपर का पार्ट होगा ऊपर से एक जैकेट इसके लिए बनाऊंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हमने इसके लिए ऊपर से जैकेट बनानी है तो ये आपका दो भाग में रहेगा दो पार चीज़ें बनेगी आपकी एक ये अंदर के लिए रहेगी स्लीवलेस फ्रॉक है उसके ऊपर एक ये जैकेट हम बनाएंगे ऊपर से या कार्डिगन आप कह सकते हैं छोटा सा कार्डिगन ऊपर से बनाएंगे हम तो इस तरह से ही इनको हम बनाते जाएंगे तो ये मैं बना लेती हूँ फिर आगे आपके साथ शेयर करती हूँ देखिए हमारा एक साइड से ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे देखिए हमने इसके बाद गिनना है ना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया अब हमने इसको बंद कर देना है यहाँ पर तो यहाँ से देखिए हमने इनको बंद कर देना है और ये जैसे हम ये वाले फंदे हमने घटाए ना ऐसे ही हमने इनको भी घटा देना है तो देखिए इसी तरह से मैं ये उल्टी साइड से घटा रही हूँ तो यहाँ पे देखिए एक साइड का हमने कंप्लीट किया ना तो इसको हमने वाइंड ऑफ कर देना है इसी तरह से एक फंदा बनाएंगे और उसके बाद एक फंदा और बनाएंगे और उसके ऊपर से पिछले वाले के ऊपर से इसको पास कर देंगे जैसे कंधे के फंदे घटा रहे थे ना सेम उसी तरीके से हमने इसको बंद कर देना है देखिए इस तरह से इस तरह से आप ये सारे फंदे जो हैं इनको बंद कर दें आप थोड़ा सा अगर बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो थोड़े आप ये ज्यादा बनाएं ठीक है और उसमें फंदे भी आपके ज्यादा रहेंगे तो आप यहां पे साइड पे तो ज्यादा रखना चाहते हैं तो ज्यादा भी रख सकते हैं सत्रह अठारह फंदे भी रख सकते हैं इसमें तो इस तरीके से मैं ये बंद कर देती हूँ तो ये लास्ट वाला फंदा है इसको हमने थोड़ा सा धागा छोड़ के काट देना है धागे को यहाँ पे थोड़ा सा धागा छोड़ेंगे और उसको सुई से बाद में ना अच्छी तरह से सेट कर देंगे तो ये इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और इसके अंदर से हमने इसको निकाल देना है ताकि ये अच्छी तरह से ये लॉक हो जाए तो ये देखिए इस तरीके से हो गया और अब हमने इस धागे को ना यहाँ सुई से अंदर ही यहाँ पर सेट कर देंगे इस धागे को हम फिर ये बिल्कुल ऐसे अच्छे से हो जाएगा ये देखिए इस तरीके से यहां पे देखिए तो इसी तरह से ना अब हमने यहां से धागा लगाना है और इसको यहां से आगे बनाना शुरू कर देना है तो दूसरी साइड वाला एक साइड वाला हमारा ये कंप्लीट हो गया ना और ये अब दूसरी तरफ का हम यहां से बनाना शुरू कर देंगे तो इस तरीके से धागे को लेंगे और यहां से ही हमने इसको उल्टी साइड से ही हमने सीधी साइड से हम बुनते हुए आ रहे थे तो उल्टी साइड से ही अब हमने इसको बुनना शुरू कर देना है इसी तरह से तो ये भी हम ऐसे बुन लेते हैं आगे तक तो फ्रेंड्स इसमें भी हमने उतनी ही सिलाइयाँ बुन देनी है अब हमने उल्टी साइड से बनाई है एक सिलाई तो ये एक लाइन उल्टी साइड पे हुई है अब सीधी साइड पे भी हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने दूसरे को बनाया इसे टाइट करके लेंगे इसको अच्छे से और इसी तरह से बुनते हुए चले जाएंगे और ऐसे ही हमने ऊपर तक अट्ठारह लाइने जो है वो कम्प्लीट कर देनी है एटीन लाइन जो है ना इसकी पर्ल की वो हमने यहाँ पे कम्प्लीट करनी है तो ये मैं ऐसे ही इसको भी बना लेती हूँ फिर फाइनली आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा कैसा दिखता है ठीक है इस तरह से देखिए सीधी साइड से एक लाइन हमारी यहाँ पे बनी है अभी तक तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये जो है ना इसका गला और इसके कंधे देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गए और इसका ये फ्रंट पार्ट भी हमारा रेडी हो गया तो ये आप फ्रेंड्स उसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं अगर आप इससे बड़े बच्चे को थोड़ा सा बना रहे हैं ना तो आप ये आपके ये नीचे भी एक एक या दो ये आपकी लीफ ज्यादा बनेगी जो नीचे आपका ये घे गे, घेरे का है ना ये आपकी एक दो ज्यादा बनेगी यहाँ पे प्लेट जो आ रही है और उसके ऊपर आपने यहां से भी थोड़ा सा ज्यादा बनाना है ये जो है ना जैसे हमने यहाँ पे नौ लाइनें बनाई थी तो आप यहाँ पे बारह लाइनें ऐसे बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा ऊपर को स्पेस दे है सकते हैं और कंधे की ऊंचाई जो है आपको ये भी थोड़ी सी ज्यादा रखनी है यहां से ये देखिए तो ये इतना है तो आपको ये शायद पाँच चार पाँच इंच के करीब आ रहा होगा यहाँ पर आप लेते हैं ये पाँच इंच है तो आप यहाँ पे छः इंच भी ले सकते हैं अगर थोड़े और बच्चे बड़े बच्चे के लिए बनाएंगे तो।, तो इसका मैंने बैक पार्ट जो है वो बना के रखा है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि वो हमने किस तरह से यहाँ पे बनाया है तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये है इसका बैक पोर्शन बैक पार्ट जो है और इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे ना कि हमने ये बनाया है बड़ा तो ये कैसे आएगा देखिए इस तरह से ये ऐसे रहेगा और इसके ऊपर हम इसको ऐसे सिलाई करेंगे यहाँ पर और इसमें ना ऊपर लगाएंगे हम बटन यहाँ से ये हमारे कंधे हैं तो गला जो है ना अगला वाला गला थोड़ा सा बड़ा है और पीछे का गला थोड़ा सा छोटा है यहाँ पे तीन तीन चार लाइनें मैंने यहाँ पे ज़्यादा बनाई हैं एक दो तो, तीन और ये चार चौथी पे मैंने बंद कर दिया है इसको यहाँ पे और ये फ्लैप जो है ये आप देख रहे होंगे ये फ्लैप थोड़े से बड़े हैं इससे यहाँ मैंने निशान लगा लिया था ये यह देखिए यहाँ तक जो कि कितना हमें ये बनाना है तो ये फ्लैप यहां से यहां तक इसका जो है ये हमने इतने तैयार है और इसके बाद ना ये आगे को आएंगे इस तरीके से तो यहां बनाए हैं दो बटन होल ये देख देखिए ना ये यह आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये दो बटन होल मैंने यहाँ पे बनाए हैं जो कि हम इस पे लगाएंगे यहाँ पे बटन और इनको हम इस तरह से बंद करेंगे यहां पर दोनों साइड से ऐसे तो वो मैं अभी आपको लगा के दिखा देती हूं ताकि आपको यहां पे कंफ्यूजन ना रहे और आप इजीली जो है इसको समझ पाए यहाँ पे इस तरह से इस तरीके से आएगा ये ऊपर से ये फ्लैप ऐसे आएंगे ऊपर से ये थोड़े से एक्स्ट्रा बनाए हैं इसमें इसमें चार पांच जो लाइनें हैं ऊपर वो एक्स्ट्रा बनाई है तो इनको हमने आगे को ऐसे फ्रंट पे बंद करना है फ्रंट साइड पे आप चाहें तो इनको बराबर भी कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ बटन ना लगाने हैं तो यहाँ पे आप सिलाई भी कर सकते हैं इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा तो ये सिल जाएगा और यहां से भी हम इसकी सिलाई इस जगह से और साइडों पे पूरा दोनों साइडों से इसको हम बंद कर लेंगे इस तरीके से और इसका जो ऊपर का जैकेट है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो तो ये मैं अभी सिलाई करती हूँ और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि ये बटन हमने किस तरह से लगाने हैं और इनको किस तरह से यहाँ पे बंद करना है इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितना इंच हमारी बन के तैयार हुई है देखिए फ्रेंड्स ये आई है हमारे पास देखिए सिक्सटीन एंड हाफ इंच जो है ये बन के तैयार हुई है इसकी लेंथ और इसकी जो यहाँ से इसकी कमर है ये आई है यहाँ पर साढ़े ग्यारह इंच और यहाँ ऊपर से है ये साढ़े नौ इंच तो ये इस तरह से हमारा ये बन के रेडी हुआ है और इसमें ना यहाँ पे जो इसके कंधे हैं वो यहाँ पे पाँच इंच है गले की चौड़ाई जो है यहाँ पर चार इंच है तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ये और बड़ा बनाना है उसी हिसाब से आप इसमें से आइडिया लेके थोड़ा बहुत आगे पीछे इसका कर सकते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट इसी एज के हिसाब से आएगा तो उसको भी आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा तो चलिए फ्रेंड्स फिर इसको बनाना शुरू कीजिए आप और फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तो फ्रेंड्स लीजिए अब ये देखिए हमारी ये फ्रॉक जो है ना रेडी हो गई ये हमने इसको सिलाई कर दिया साइडों से ये देखिए और इसमें बटन भी लगा दिए ये देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें बटन लगा दिए और अब इसका जो ऊपर का पार्ट है ना जो इसकी जैकेट रहेगी वो हम सेकंड पार्ट में बताएंगे आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर की जो जैकेट है उसको उसके साथ में शेयर करूंगी और इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही थैंक यू